गाइस, अगर आपका भी चेहरा गोरे क्रीम से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जैसे कि आपके स्किन के ऊपर पिंपल्स आ रहे हैं, आपके स्किन के ऊपर रेडनेस हो रही है, आपके स्किन के ऊपर जलन हो रही है, अगर आपके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि साइड इफेक्ट हो गया है ना गोरे क्रीम का, तो उसको आपको कैसे ठीक करना है और आपको इसको कैसे यूज़ में लेना है ताकि आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट ना हो, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके प्लीज़ एंड तक देखें। गाइस, अगर आप ओरिजिनल गोरी क्रीम इस्तेमाल करते हो ना, तो आपके स्किन के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ही आपके स्किन के ऊपर जीरो साइड इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप इस क्रीम को मार्केट से लेते हो, अमेजोन से लेते हो, या मीशो से लेते हो, या कहीं से भी लेते हो, तो आपको ये जो क्रीम ना ज़्यादातर डुप्लीकेट मिलेगी, जो कि आपके चेहरे के लिए सेफ नहीं होती है। क्रीम तो देखने में सेम ही दिखती है, गोरी क्रीम की तरह ही दिखती है, बट उसके जो अंदर जो इंग्रेडिएंट डलते हैं ना, वो अलग होते हैं। उसकी स्मेल भी थोड़ी अलग आती है, थोड़ी स्ट्रांग आती है। उससे ना आपकी स्किन ख़राब होती है, आपकी स्किन पतली हो जाती है और आपके स्किन के ऊपर रेडनेस होने लगती है। बहुत सारा साइड इफेक्ट लोगों के स्किन के ऊपर होने लगता है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल क्रीम इस्तेमाल करते हो, तो आपके स्किन के ऊपर पहले से तो साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, साथ में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम कैसे पता करें ओरिजिनल क्रीम कौन सी है और डुप्लीकेट कौन सी है। तो कैसे, देखो, जो ओरिजिनल जो क्रीम होते हैं ना, वो थोड़ी हार्ड होती है और उसकी जो स्मेल है ना, थोड़ी हर्बल टाइप की आती है। और जो डुप्लीकेट होती है ना, वो भी है ना, मतलब कि कोई कोई क्रीम तो हार्ड ही आती है डुप्लीकेट, पर ज़्यादातर केसेस में ना उसकी स्मेल ही अलग होती है। ठीक है, अभी जो लोग इसको कंटिन्यूस में ले रहे हैं, उनको एक्चुअल में पता है कि ओरिजिनल क्रीम किस तरह होती है और किस तरह नहीं, बट आपको डाउट लगता है कि मैं कैसे क्रीम बाय करूँगा तो मुझे डुप्लीकेट ही मिलेगी, तो आप ही ना इस क्रीम को मार्केट से बिल्कुल बाय ना करें। जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर कंपनी के ऑफिसर सेलर का नंबर दे रखा है ना, वहाँ से आप इसको बाय कीजिए, आपको ओरिजिनल क्रीम मिलेगी। और अगर आपकी स्किन ऑयल है, सेंसिटिविटी हो जाए, तो आपको गोरी डे नाइट क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपकी स्किन ड्राई और नॉर्मल है, तो आप गोरी ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कीजिए, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप भी अपने चेहरे को गोरा करना चाहते हो ना, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, तो आप इस क्रीम को बिल्कुल इसमें ले सकते हो, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैंने आपको नंबर बता रखा है, वहाँ से आप इसको बाय कीजिए, आपको ओरिजिनल मिलेगी। और इसकी जो डिलीवरी ना गाइस, ऑल इंडिया में अवेलेबल है, मतलब कि आप इंडिया से कैसे भी हो ना, तो अभी आप इस क्रीम को ऑर्डर कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन, ओके बाय।